कश्मीर के मसले पर भारत विरोधी और पाकिस्तानी नैरेटिव को फिर से आगे बढ़ाने वाले इंटरनेशनल ब्रांड के लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। ह्यूंडई, किया, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज के बाद अब केएफसी ने कश्मीर पर पाक के नापाक सोच का समर्थन किया है। कश्मीर की आजादी के समर्थन का पोस्ट सामने आने के बाद भारत में केएफसी का विरोध शुरू हो गया है। हालांकि केएफसी इंडिया ने ट्वीट करके इसके लिए माफी मांगी है, लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स इन इंटरनेशनल आउटलेट्स पर भड़के हुए हैं जो पाकिस्तान में भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। केएफसी ने कश्मीर पर पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि कश्मीर कश्मीरियों का है। वहीं पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कश्मीर सॉलिडेटरी डे पर हम सभी कश्मीरी भाई बहनों की स्वतंत्रता के लिए साथ खड़े हैं। ट्विटर पर केएफसी इंडिया के आधिकारिक अकाउंट से जारी संदेश में कहा गया, हम उस पोस्ट के लिए दिल से माफी मांगते हैं जिसे देश के बाहर से केएफसी के कुछ सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रकाशित किया गया। हम भारत का सम्मान करते हैं और सभी भारतीयों के गर्व के साथ सेवा करने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं। दरअसल ह्यूंडई पाकिस्तान ने भी कश्मीर को लेकर एक भारत विरोधी ट्वीट किया था जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। ह्यूंडई पाकिस्तान ने लिखा कि चलिए याद करें कश्मीरी भाइयों के बलिदान को और उनका समर्थन करें ताकि वह आजादी के लिए संघर्ष करते रहें। इसके बाद भारत में ऑटोमोबाइल कंपनी ह्यूंडई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि ह्यूंडई इंडिया ने इस मामले पर सफाई देते हुए एक माफीनामा जारी किया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ह्यूंडई से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। आपको बता दें, कश्मीर पर पाकिस्तान के गंदी सोच का समर्थन करने वाले इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेकर भारत के लोगों में बेहद आक्रोश है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी इजहार कर रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट केएफसी ट्रेंड कर रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।